रॉयल इनफील्ड हंटर 350 और इसमें आपको दिखाऊंगा मैं मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ मॉडिफिकेशन जो किसी, तो फर्स्ट ऑफ होता है पीपीएफ लेमिनेशन जो फुल प्रोटेक्शन के रेजगार्ड है। इसको लगाने के बाद आपका टैंक और आपका इंजन और आपके लेग्स प्लस यहाँ पर आपका बेंड पाइप भी सेफ रहता है। कुछ तरीके के स्लाइडर लगते हैं, तो एक हंटर यहाँ पर है, इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन और भी है, बट इसमें एग्जॉस्ट लगा रहे हैं वो कैसा साउंड आता है उसमें। और तो ये जो था, ये था एग्रो पब्लिक का मैट फिनिश के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपने सुना योशिमोरा का R1M का जो ये, जिसमें आपको माइनस प्लस रिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर इग्निशन ऑन करो तो ये कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त, ले आपके लिए कॉन टॉपिक एक और वीडियो। मेरा नाम सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की मॉडिफिकेशन, और इसमें मैं काफी सारी एक्सेसरीज भी दिखाऊंगा जो हंटर पर ऐड की है, लाइक क्रैश गार्ड हो गया, थारलाइट हो गई, वाइजर हो गया, इसके अलावा टायर हैगर हो गया। बट इसमें मैं आपको एग्जॉस्ट भी ट्राई कराने वाला हूँ कि आपकी हंटर पर एग्जॉस्ट कैसा साउंड आता है अगर आप उस पर एग्जॉस्ट लगवाते हो तो। और इस पर जो एग्जॉस्ट ट्राई करेंगे वो करेंगे स्पोर्ट बाइक के, जो कि आपने R5 में निंजा में सुने होंगे, तो उसी तरीके के एग्जॉस्ट इस पर ट्राई करे जाएंगे, क्योंकि साइज़ जो है इसका छोटा आता है, तो उसी तरीके से इस पर ट्राई करे जाएंगे एग्जॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हो अपने सामने खड़ा है बीस्ट रॉयल एनफील्ड हंटर 350, और इसमें आपको दिखाऊंगा मैं मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि शोरूम से बाइक निकालने के बाद आपको सबसे पहले क्या चीज़ें कराना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ होता है पीपीएफ लेमिनेशन जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो क्रैश गार्ड। तो ये फुल प्रोटेक्शन के रेस्ट गार्ड है, इसको लगाने के बाद आपका टैंक और आपका इंजन और आपके लेग्स प्लस यहाँ पर आपका बेंड पाइप भी सेफ रहता है। और इसमें अब लगेंगे स्लाइडर, स्लाइडर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर ये कुछ तरीके के स्लाइडर लगते हैं यहाँ पर, जिसके अगर कभी इनकेस बाइक गिरेगा तो सारा प्रोटेक्शन रहता है इससे। इसके अलावा यहाँ पर सम गार्ड लगाया जा रहा है, और यह हंटर आप देख सकते हो, ये जो है ये लेग गार्ड या क्रैश गार्ड आप कह सकते हो, तो ये देती है कंपनी, बट अपने पास काफी सारे डिजाइन है। तो ये डिजाइन जो मैंने आपको दिखाया ये फर्स्ट था, इसके अलावा काफी सारे डिजाइन है। इसके अलावा एक हंटर यहाँ पर है, इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन और भी है, बट इसमें आपको पहले ट्राई करा देता हूँ एग्जॉस्ट के साउंड के, जिसमें एग्जॉस्ट लगा रहे हैं वो कैसा साउंड आता है उसमें। तो जी ये है एग्रो पब्लिक का, योशिमोरा का भी ट्राई करो एक बार स्पोर्ट बाइक से, रॉयल एनफील्ड भी सुन लो साउंड के साथ। भाई साहब वो लगाना R1M वाला, ये है जी R1M। तो ये जो था, ये था एग्रो पब्लिक का मैट फिनिश के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपने सुना योशिमोरा का R1M का जो यामा R15 में जिस तरीके से लगता है स्पोर्ट बाइक में, वो था। अब यहाँ एग्रो पब्लिक आ गया ये वाला, और यहाँ अगेन एग्रो पब्लिक है, अलग अलग डिजाइनिंग है, तो सुन लेते हैं एक एक करके साउंड। तो इसमें क्या है, आपको डीवी कलर विदाउट डीवी कलर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर डीवी कलर का निकाल देना, विदाउट डीवी कलर सुनाएंगे डायरेक्ट। और ये है SC वाला, ये देख सकते हो आप फ्री फ्लो, इसका भी सुनते हैं साउंड कैसा है। ये लग गया जी, और अभी क्या है टेम्परेरी लगा रहा है, फिर इसका प्रॉपर पैकिंग वैकिंग लगाएंगे तो और अच्छा इसका साउंड आएगा। इसको सुनते हैं जी योशिमोरा को दोबारा से, ये अच्छा लग रहा है। एक बार अगर अभी चल लेते चले देना, हाँ ये लगाओ, योशिमोरा फाइनल है। सो दोस्तों, आपने एग्जॉस्ट का साउंड सुना, मॉडिफिकेशन देखी, और फाइनल पे जो मॉडिफिकेशन रेड वाली में की है वो क्या क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर वाइजर इंस्टॉल किया गया, बाकी वाइजर की काफ़ी सारी वैरायटी और भी है, बट ये काफ़ी सारे लोग लगवाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और वहीं वाइजर के नीचे यहाँ पर थारलाइट इंस्टॉल की है, जिसमें आपको माइनस प्लस रिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर इग्निशन ऑन करो तो ये कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका, पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग जो है ये वाले लगवाते हैं, बाकी अपने पास काफ़ी सारे डिज़ाइन और मिल जाएंगे ये एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिज़ाइन है, बट सबसे ज़्यादा जो है वो यही लोग लगवाते हैं। और इसमें इग्निशन पे जो है ये रहता है वाइट, आप चाहो तो येलो करा सकते हो, बाकी अगर आपको येलो करना है तो उसके लिए ये दे सकते हो आप। इसका हाई बीम पर जो होगा वो येलो हो जाएगा, बाकी जब आप लो बीम करोगे तो ये वाइट है, ठीक है। और अगर आप इग्निशन ऑफ करके ऑन करोगे तो डायरेक्ट वाइट रहेगा ये। बाकी इसका मैं फोकस भी दिखाया हूँ आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के, बट उससे पहले मैं एक्सेसरीज और कवर कर लेता हूँ कि क्या क्या है। तो ये जो मिरर है ये कंपनी से आते हैं, इसको हटाया नहीं क्योंकि इसको हटा देंगे घर जाकर। बाकी यहाँ पर बार एंड मिरर लगा रखे हैं, जो कि इसको आप चाहो तो ऊपर करके भी लगा सकते हो या फिर नीचे करके लगा सकते हो कुछ इस तरीके से।
और इस वाले एंगल से ये वाला लुक आता है, ये देखो काफी अच्छे लगते हैं। बाकी जीटी में भी लगवा सकते हो आप, कोई बाइक यूनिवर्सल है, जरूरी नहीं है कि आपको ये हंटर पे लगवाने, किसी बाइक पे लगवा सकते हो। उसके अलावा सेकंड मॉडिफिकेशन है वो है पीपीएफ लेमिनेशन, और लेमिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये जो लेमिनेशन है ये थ्री लेयर वाली है, और इसमें पता नहीं चलता कि लेमिनेशन किस जगह पर की गई है। ये देखो चमक और फिनिशिंग लेवल जो है वो काफी अल्टीमेट है यहाँ पर। अगर कटिंग मैं आपको दिखाऊँ क्लोज से तो ही पता चलेगा, लाइक ये जगह जो देख सकते हो, तो यहाँ से समझ सकते हो आपके लेमिनेशन की। बाकी इतने पास से कोई देखता नहीं है और दूर से ऐसा लगेगा नहीं, और चमक शाइनिंग बढ़ जाती है। तो जो फुल प्रोटेक्शन में पीपीएफ करते हैं वो करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया आपका, साइड पैनल्स हो गए, टैंक हो गया, इसके अलावा जो आगे का मडगार्ड हो गया, यहाँ पर जो बॉर्डर लगा रखा है ये देखो। बाकी ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो ये हटवा भी सकते हो, और ये तो होगी लेमिनेशन। इसके अलावा आपको दिखाया था पीछे टायर है, अगर ये वाला टायर है लगा रखा है, रिफ्लेक्टर्स वाला है, इसमें रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, यानी पीछे से जब लाइट पड़ती है ना तो ये चमकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका यूज़ ही होता है जब मिट्टी इस जगह पर होल्ड जाती है ना, तो उस केस में टायर हैगर को यूज़ किया जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। सिंगल साइड फिटिंग है मेटल में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हॉर्न भी इंस्टॉल किए हैं, इसका अगर मैं आपको साउंड सुनाऊँ काफ़ी अच्छा है, और इस पर कोई चलान का भी टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पर क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रखा है, इसको लगाने के बाद आपका जो इंजन वगैरह देखो ये सेफ है, यहाँ से आप देख सकते हो, और इस पर स्लाइडर मिल जाता है, आपका टैंक भी सेफ रहता है अगर इनकी इसका बाइक गिरती है। और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर जो बैंड पाइप होता है ये वाला, ये सेफ रहता है इस जगह से, ये देखो यहाँ से। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और काफ़ी ज़रूरी भी होती है। बाकी डिज़ाइनिंग काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही आप लोग सोच रहे हो कि हर वीडियो में ये होता है, लेकिन काफ़ी सारे अपने पास और भी अवेलेबल है, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा पसंद आता है। बाकी ये वाला अगर आप देखोगे इस एंगल से तो कुछ इस तरीके से आता है इसका लुक, और काफ़ी बल्की लगती है बाइक, काफ़ी भरी भरी लगती है यहाँ से देखो। तो ये तो हो गई हंटर की मॉडिफिकेशन, बाकी एग्जॉस्ट का साउंड मैंने आपको सुनाया, इसके अलावा मैंने और भी हंटर दिखाई है आपको। बाकी बहुत सारी वीडियो आपको और भी मिलेंगी मेरे चैनल पर, जिसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज और भी ऐड कर रखी हैं, जैसे कि हैजार्ड सिस्टम हो गया, इसके अलावा सैडल स्टे, टॉप रैक, बैक रेस्ट, टॉप बॉक्स, ऑलमोस्ट जैसे कि सीट मॉडिफिकेशन हो गई, सेंटर लॉकिंग हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर, सो एक बार जरूर जाके देख लेना। सो मेरे प्यारे दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, और इस तरीके के काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो दिल्ली के करोल बाग नाईवाला मार्केट में अपनी शॉप पर, जो कि आपको मिलेगी SKD के नाम से। तो और प्राइसिंग के लिए सिंपली आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेता हूं आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।